हेलो व्यूअर्स, आज मैं समोसा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने दो दो कटोरी मैदा लिया हुआ है, आलू काट लिए हैं दो डेढ़ कटोरी के आसपास, मटर है, नींबू, हरी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, खड़ी धनिया है, काली मिर्च है थोड़ी सी, अजवाइन है, और ये चौथाई कटोरी तेल जो कि मोइन के लिए डालेंगे। चलो बनाते हैं। चलो आटा मारते हैं। सबसे पहले इसमें अजवाइन डाल देंगे। इसमें नमक डालेंगे। इसमें तेल एक चम्मच पड़ा है मैंने। इसी तरह सारा तेल मिला लेंगे। अभी अच्छी तरह मिल गया है, मुट्ठियाँ बनने लगी हैं। इस तरीके से अब मिला लेना है। अब पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट आटा रखेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन टाइट रखेंगे। पानी के छींटे मार मार सानी ऐसे ऐसे। इस तरह आटे को मार लें। अब इसको 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दो, उसके बाद बनाते हैं। आलू मटर को पानी में डाल के उबलने रख दिया, थोड़ा सा ये पक जाए। अभी उबल गया, इसको निकाल लेते हैं। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें नींबू डालेंगे। इस तरह भूनेंगे। गैस बंद कर दें, इसमें नींबू डाल दें। या तो आप आम की खटाई भी डाल सकते हैं नींबू की तरह। अरे तैयार समोसे के लिए स्टफिंग भरने की। चलो ये गरम मसाला
धनिया पाउडर डालने के बाद गरम मसाला डाल दीजिए। मिनट हो गए, अब आटा मुलायम हो गया, देखो कितना मुलायम। लेकिन इसके बाद भी इसको थोड़ा सा हाथ लगा के माढ़ना ताकि ये खूब मुलायम हो जाए। काट ली, जितनी बड़ी पूरी चाहिए, समोसा चाहिए, उसके हिसाब से आप बना सकते। छोटा चाहिए तो छोटा, काट ली। चलो बेलते हैं। इस तरह बेल लो सारी पूड़ियाँ। सही पूरी बेलने तो कैसे, पहले लंबाई में ले लो ऐसे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा चौड़ाई में लो, फैला देना, ठीक है। इधर मार दीजिए, इधर कर दीजिए, यहाँ कर दिया, ये ऐसे जैसे चौड़ाई में आ जाएगी। अब इन सबको रख के बराबर से अंदाजा लेके काट दें। ठीक, एक एक करके काट लें, ये कोना और ये कोना मिला दिया ऐसे, ठीक, ऐसे मिला दिया यू करके। फिर आपको जितना आप चाहे इतना भर जाए, चाहने की बात ही नहीं है, इतना भर जाए। और इसको ऐसे कर दबा दिया। समोसा छोटा बन रहा है क्योंकि पूड़ियाँ छोटी भी ली हैं, बड़ी पूड़ियाँ रहेंगी तो बड़ा समोसा बनेगा। इस तरह थोड़ा सा हाथ दबा दीजिए, समोसा तैयार। ये तैयार कर लिए, चलो तलते हैं। इसको ज़्यादा गरम तेल में नहीं तलेंगे, बस हल्का सा गरम हो जाए बस। धीरे धीरे, ये धीरे धीरे हो, तेजी से ना।
पक जाए तब आखिरी में आंच तेज करेंगे, मतलब धीमी आंच में ही तलेंगे, ज़्यादा तेज आंच में तलना नहीं है इसको। अब इसको निकालना है बस, तो तेज आंच कर दीजिए, थोड़ी ललाई आ जाए इसमें। शुरुआत में धीमा रखना है, एकदम धीमा, ये तेज हो गया लेकिन फिर भी हम धीमी आंच रखेंगे और सब डाल देंगे। इसी तरह करना है, धीमी आंच में, जब ये थोड़े बन जाए, थोड़े से ऊपर आ जाए तब इसको तेज आंच पर करना है। ये रहे समोसे, एकदम क्रंची। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, बनाकर देखिए।